शीतल, नहीं मानो, मैं अपनी चला जा रहा हूँ मुझे बस। शीतल थोड़ी सी हिम्मत रखो, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। हमें ना इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था, ना एक तो फोन चल रहा है ना कुछ, ऊपर से रात होने से पहले अगर हमें किसी ने ढूंढा नहीं तो। शीतल ऐसा मत सोचो, कोई ना कोई हमें जरूर ढूंढ लेगा। अरे संभालो प्लीज। शीतल, शीतल झील, अच्छा आवाज कैसी है? लगता है झील में कुछ गिरा है। ये दूसरी आवाज कैसी है? Oh my God, इतने सारे पैसे! मानव ये सारे तो हजार रुपए के नोट हैं। पर ये आग कहाँ से आई? अरे छोड़ ना यार, जो भी लक्ष्मी आ रही है सब बटोर के रख ले, बैग में रख, बैग में। शीतल, क्या हुआ? शीतल क्या हुआ? क्या हुआ? गोली मार देगा। तुम दोनों मानव शीतल हो? तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। तुम दोनों को ढूंढते हुए मैं यहाँ आया। किसी ने तुम दोनों के इस जंगल में गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये बंदूक? ये ट्रैंक्विलाइजर गन है। रास्ते में अगर जंगली जानवर मिल जाए तो उसको बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी थी मैंने। क्या हुआ? क्या हुआ? Oh my God, ये कैसे हो गया? आप ठीक है ना साहब? मैं ठीक है, मेरी मदद, मेरी मंगे देखो, किसी ने किडनैप कर लिया, उसे बाहर डालेंगे, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपको पहले हॉस्पिटल, आपके पास फोन है? फोन फोन दीजिए प्लीज, मुझे सीआईडी को फोन करना है। ले लो साहब गोली, गोली भाई साहब, भाई साहब।
सर, इसके पास तो ये सैटेलाइट फोन है। सैटेलाइट फोन देखते हैं। लॉक्ड है ना फोन, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। कोई मामूली आदमी ऐसा फोन लेकर तो नहीं घूमेगा। पूर्वी काम करो, देखो और कोई आईडी मिलती है क्या। तरह से इस पेड़ की टहनियां टूटी है और लाश की जो हालत है, ऐसा लगता है कि लाश काफी ऊपर से नीचे गिरी है। ये बात तो है दया। सर, सर हम लोगों ने भी ना बहुत जोरों की आवाज सुनी, और जब हम लोगों ने यहाँ आके देखा तो ये बॉडी ना उधर पेड़ पे लटकी हुई थी। वो क्या है, बैग जैसे लग रहा है दया। कहीं उसी आदमी के तो बैग नहीं। निखिल वो देखो, ऊपर चढ़ के देखो क्या है। नीचे उतारो, नीचे उतारो उसे। सर यहां आसपास कोई बिल्डिंग बिल्डिंग तो है नहीं, तो क्या ये आदमी आसमान से टपका? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ये किसी हवाई जहाज से नीचे गिरा। लेकिन सर ये एरिया तो नो फ्लाइंग जोन में आता है, इसके ऊपर से कोई कमर्शियल प्लेन्स में नहीं उड़ते। हो सकता है कोई हेलीकॉप्टर गया हो ऊपर से, कोई आवाज सुनी चॉपर की। सर ये एड्रेस मिला है, नाम नहीं, जो इसने मोजे में छुपा के रखा था। है किसका ये, जरा पता लगाओ किसका एड्रेस है। सर सर पूरा बैग खाली है। सर खाली बैग? हाँ सर। ये आदमी खाली बैग लेके क्यों घूम रहा था? हो सकता है इस बैग के अंदर जो कुछ भी था, जिसने भी इस आदमी को ऊपर से फेंका वो लेकर गया हो। हाँ सारंग के, बोल क्या पता चला? बस हाँ, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। जरा ये देखो, ये जरा इसके कान के पास ये निशान देखो। यार ये कोई सर्जरी का ऑपरेशन का निशान लगता है। बिल्कुल बॉस, ये ऑपरेशन का ही निशान है। ये निशान देख करके मुझे लगा कोई ना कोई चक्कर है, और इसीलिए मैंने इसके चेहरे की अच्छी तरह से एनालिसिस की। तो इसका चेहरा कई बार बदला गया है बॉस। प्लास्टिक सर्जरी? प्लास्टिक सर्जरी। एक चीज और बताता हूँ बॉस, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये तो कोई सिंबल है, कोई निशान है, नस दबाने पर ही दिखता है। इसलिए हमें निशान वहां नहीं दिखा जहां पे लाश मिली थी। बॉस ये खास तरीके का ट्रांसमीटर है जो इसकी चमड़ी के अंदर छिपा करके लगाया गया। कमाल है सर, ये आदमी बार बार अपनी शक्ल बदलता रहा, इसकी कलाई पे ये डिवाइस लगा है, और इसकी मौत ऊपर आसमान से गिरने से हुई है। अच्छी खासी पहली बना हुआ है। सर सर इस आदमी के पास हमने सैटेलाइट फोन को हम डिक्रेट नहीं कर पाए, लेकिन इसके पास से जो कागज पर एड्रेस मिला था वो किसी विशाल नाम के आदमी का है। विशाल है? कौन है विशाल? इस विशाल के घर जाकर ही पता करना पड़ेगा। सर थोड़ी देर पहले एक न्यूज आ रही थी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये देखिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज सुबह एक छोटा प्राइवेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया। उस इलाके के कुछ लोगों ने एक आदमी को पैराशूट से नीचे गिरते हुए देखा। नौसेना उस विमान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। प्लेन समंदर में क्रैश हुआ है और वो झील भी तो पास में ही है। हो सकता है ये आदमी भी उसी प्लेन में हो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने धक्का वक्का दे दिया हो प्लेन से। सर जो आदमी प्लेन से कूदा था पैराशूट लेके, हो सकता है उसी ने इस आदमी को धक्का दिया हो प्लेन से। हो सकता है,
किसी भी कीमत पे हमें उस आदमी के बारे में पता लगाना पड़ेगा जिसने ये धक्का दिया हो। सर एक बार प्लेन का पता चल जाए तो आदमी का भी पता चल जाएगा। जितने भी प्राइवेट एयरफील्ड्स है ना, वहां जाके पता लगा ऐसा कौन सा प्लेन कब उड़ा था और उसमें कौन कौन लोग सवार थे। पेशेंट की तबीयत कैसी है? सर्जरी तो अच्छी से हो गई है, पेशेंट रिकवरी में है। ओके, और उनकी फैमिली? इसके वॉलेट से इसकी आईडी मिली थी। पेशेंट का नाम विशाल है। इसके घर पर मैंने फोन भी किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। आंसरिंग मशीन में मैंने मैसेज छोड़ दिया है कि विशाल हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर अनिल कहाँ है? उनको बुलाइए, मुझे पेशेंट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मैडम। ये तो अच्छा हुआ उसकी टेलीफोन मशीन से हमें ये पता चल गया कि वो इस हॉस्पिटल में है। सर विशाल जरूर उस आदमी को जानता होगा जिसकी लाश हमें जंगल में मिली थी। एक्सक्यूज मी नर्स। यस। हम सीआईडी से। ओके। ये विशाल नाम का पेशेंट है। आइए मेरे साथ। अरे ये कैसे निकल गया? यहाँ पे कोई और भी था क्या? एक लेडी डॉक्टर थी लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। किसी और डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। क्या हुआ? डॉक्टर नहीं थी वो, मैंने उसे पकड़ा तो गोली मार के उधर भाग गई। साहब वो लड़की बाइक पे भागी। साहब बाइक पे भागी? हाँ जी, उसकी डिटेल्स भेजो कंट्रोल रूम में, बाकी जाएगी कहाँ। आयशा आयशा आयशा, विशाल को छोड़ो, हमारी प्रायोरिटी क्या है? वो ब्रीफकेस है ना। यदि नताशा के पास वो ब्रीफकेस नहीं है तो केडी के पास होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सीआईडी को केडी की लाश जहाँ मिली थी वहीं पर कहीं ब्रीफकेस गिर गया होगा। जाओ जाओ ढूंढो उसे, ढूंढो उसे, ढूंढो। ओके ओके। मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा काम दिया था, सिर्फ छोटा सा काम, वो भी नहीं कर पाए हैं? विशाल को निपटाने का काम। गोली मारने के बाद उसको हमने समुद्र में फेंक दिया था बॉस। हाँ, हमने सोचा वो मर गया होगा। विशाल, जिस आदमी को प्लेन में से फेंका गया था तुम उसे कैसे जानते हो? सर मैं उसे नहीं जानता। सर मेरी मंगेतर नताशा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। सर पिछले कुछ सालों से अलग अलग इलाकों से एक ही उम्र की लड़कियां गायब हो रही थी, वो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सर उसको पता चला था कि कोई चाकू टाकू गैंग है जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। चाकू टाकू? सर ये गैंग बहुत चुपकर चलाया जा रहा था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ओ, तो उस आदमी की कलाई पे जो निशान था सर, वो शायद इसी गैंग की पहचान है। फिर? सर कुछ दिन पहले मैंने देखा कि नताशा बहुत खुश नजर आ रही है, तो मैंने उससे पूछा उसकी वजह क्या है। उसने मुझे बताया कि उसके हाथ बहुत जल्द कोई तगड़ा सबूत लगने वाला है। कैसा सबूत? सर वो तो मैं नहीं जानता सर, लेकिन कल उसका मैसेज आया कि कोई उसका बैग है जो घर पर रह गया है और मैं उस तक पहुंचा दूं। तो सर जब मैं वो बैग लेके उसका इंतजार कर रहा था तब सर वहां से वो लोग मुझे किसी अनजान जगह पे ले गए जहां पे उन बदमाशों ने नताशा को कैद कर रखा था। कौन थे वो लोग? सर मैं नहीं जानता सर, सर मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, मैं सिर्फ नताशा की आवाज सुन सकता था। वो सर अपनी जान की भीख मांग रही थी उनसे। उन्होंने तुमसे बैग छीन लिया, उसके बाद क्या हुआ? सर वो जो कुछ भी ढूंढ रहे थे वो उनको उस बैग में नहीं मिला। तुम उनसे बचकर कैसे निकले? सर उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई और मुझे समुंदर में फेंक दिया। सर मैं किसी तरह बच गया और तैर कर किनारे तक पहुंच गया, लेकिन लेकिन वहां भी उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। अब ये दया,
वो आदमी जो प्लेन में से फेंका गया था वो इन्हीं के गैंग का था, उसके कलाई पर वो निशान भी तो था। हो सकता है कि वो आदमी शायद नताशा को इनके गैंग के बारे में सीक्रेट बताने वाला था, वही सबूत जिसके बारे में नताशा जिक्र कर रही थी विशाल के पास, और शायद इसीलिए उसे प्लेन में से फेंक दिया इन लोगों ने और फिर नताशा की जान के पीछे पड़े। क्या हुआ विशाल? विशाल तुमने फोन पर बताया कि मेरी नताशा को कुछ हो गया? हाँ आंटी, बदमाशों ने नताशा को किडनैप कर लिया। क्या? हाँ, पता नहीं वो अभी जिंदा भी हो गया। मैं तुमको मना करती रही ना, फिर भी तुमने मेरी बच्ची को फंसा दिया इन सब में। प्लीज प्लीज सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर। मेरे पति भी एक पुलिस ऑफिसर थे और सर उन्होंने जिंदगी अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। मैं अपना पति खो चुकी हूँ। इस चाकू डाकू गैंग तक पहुंचने के लिए हमें पहले वहां पहुंचना होगा जहां पर विशाल और नताशा को बंदी बना के रखा था। पैसे वाला बैग इसी झील में गिरा हुआ है, हम लोग माला माल हो जाएंगे। मानव जितने पैसे मिले उतने काफी है ना, प्लीज यहाँ से चलो, इतना लालच सही नहीं है। 5 मिनट रुक जा। मानव मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, तुम काम करो प्लीज, ये बैग ना वापस झील में फेंक दो प्लीज। कैसी बात कर रही हो शीतल? अरे ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर दे रहा है, ले लो दोनों हाथों से। रुक, पकड़ो इसे खोलते हैं। थैंक यू जो तुमने मेरे लिए बैग ढूंढ लिया। सर मैं इस मामले में आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारी एक भी प्लेन किराए पे नहीं गई। झूठ बोल रहे हो तुम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हमने सब कुछ पता कर लिया है। सत्य उनके रडार में साफ देखा गया है, कल यहाँ से एक प्लेन उड़ा था। जो एयरक्राफ्ट समंदर में गिरा है वो सेस्ना एयरक्राफ्ट है जो सिर्फ तुम्हारी कंपनी किराए पे देती है। देखिए सर आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए सर। तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हें समझाने के, तुम्हारा मुंह खुलवाने के। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये खून का मामला है समझे? बताओ जल्दी। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। सर एक आदमी आया था सर, उसे पुरानी सीजनल प्लेन किराए पे चाहिए थी सर, और सर वो इतने ज्यादा पैसे देने को तैयार था कि सर मैं मना नहीं कर पाया, और बिना कोई जरूरी जांच के और बिना किसी पेपर्स के मैंने उसे प्लेन किराए पे दे दिया सर। उस आदमी को देखा है ना तुमने? हाँ, कैसा दिखता है वो? सर लगभग 5 फीट 10 इंच था सर उसका हाइट सर, गोरा था सर, और सर पतला था और हल्की दाढ़ी थी सर उसकी, और सर उसके साथ एक आदमी और था सर। ये दूसरा आदमी जरूर वही आदमी होगा सर जिसने उसे प्लेन से धक्का दिया था। अब प्लेन क्रैश में बच के भाग निकला हो। वो तो मर चुका जिसने तुम्हें पैसे दिए थे, वो दूसरा आदमी है ना,
उसका स्केच बनवाओ हमारे लिए। सर बस यही खड़ा था बस मैं यहीं पर। देखो ईशा अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ये वही एक तरीका है नताशा तक पहुंचने का। सर मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो लोग मुझे कहां ले गए थे। ठीक है गाड़ी में बैठो। देखो ईशा तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी थी है ना। जी तो आप ऐसे सोचो कि पट्टी है तुम्हारी आंखों पर इसलिए आंखें बंद करो और याद करने की कोशिश करो हर एक बात छोटी बड़ी जो कुछ भी कोई आवाज कोई खुशबू कुछ भी। सर याद आया जब मुझे गाड़ी में बैठाया उसके बाद गाड़ी बहुत देर तक सीधी चल रही थी गाड़ी कहीं भी नहीं मुड़ी थी। सर तकरीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी राइट में मुड़ी थी। राइट लिया था। सर यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद एक राइट टर्न तो है ले लेते हैं। और क्या याद आता है? मुझे ट्रेन की आवाज भी सुनाई देती। ट्रेन की आवाज? सर यहाँ से थोड़ी दूर पे रेलवे लाइन तो है। अच्छा ये कौन सी ट्रेन थी लोकल ट्रेन या मेल गाड़ी की आवाज? सर शायद लोकल ट्रेन की थी। लोकल ट्रेन और याद करने की कोशिश करो। सर उसके बाद गाड़ी राइट मुड़ी थी और वहां पे एक चर्च भी थी सर क्योंकि मुझे वहीं पे चर्च की घंटी की आवाज सुनाई दी थी। सर वो रहा चर्च। सर उसके बाद गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया था और थोड़ी देर गाड़ी चल रही थी। अच्छा कितनी देर तक लगभग? सर ये तो नहीं पता है कितनी देर गाड़ी चल रही थी लेकिन हाँ जब गाड़ी रुकी तो उस वक्त रेडियो पे एक गाना चल रहा था बल्ले बल्ले और 99.9 FM पे। सर पूरी जरा फोन करो रेडियो स्टेशन पे 99.9 पे। सर और उसके बाद गाड़ी रोक दी गई और मुझे बाहर निकाल के किसी मकान के अंदर ले जाया गया। तुम्हें किडनैप कितने बजे किया गया था? सर मैंने उस वक्त अपनी घड़ी देखी थी तकरीबन 6:30 बजे थे। ओके थैंक यू। सर गाना 7:15 में चला गया। 7:15 बजे गाना बजा। 6:30 बजे इसका किडनैप हुआ। 7 बजे इसने चर्च की बेल सुनी और 7:15 बजे इसने 99.9 FM पर गाना सुना बल्ले बल्ले। तो इसका मतलब है चर्च से लेकर 15 मिनट की दूरी पर वो घर होना चाहिए। दया रास्ता तो बंद है खत्म हो गया रास्ता फिर भी चर्च से 15 मिनट की दूरी पर यही एक घर है। लगता है विशाल और नताशा को यहीं पे बंद करके रखा था। चलो अंदर घुस के देखते हैं। मुझे यहाँ घसीट के लाया गया था मेरी आंखों पे पट्टी थी। तो बता सकते हो कितने लोग थे? कुछ अंदाज
मुझे तकरीबन 3 लोगों की आवाज सुनाई देती। अच्छा। और उसमें से 2 आदमी थे और एक लड़की। 2 आदमी उनके साथ एक लड़की भी थी? जी, उसी ने कहा था कि इसको गोली मार दो। फिर मैंने किसी के कदमों की आवाज सुनी मेरी तरफ आते हुए, और फिर गोली की आवाज आई और अचानक मेरी जांघों में आग लग गई। गोली मेरी जांघ में घुस गई थी। और तो आसपास कहीं कुछ दिख नहीं रहा सर। विशाल, जब तुम्हें वो यहां पे ले आ रहे थे तब तो कोई आ रहा है। पास गन नहीं है। गन नहीं है तो फिर यहां क्या करने आए हो? किसी को ढूंढ रहा हूं। किसे ढूंढ रहा? एक लड़की को। वो लड़की तुम्हें यहीं मिलेगी। ये तुम्हें कैसे मालूम? पिछली बार वो मुझसे यहीं मिली थी। जरा तुम्हारी शक्ल तो देखें। देखा तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूं। मैं चाकू डाकू गैंग का नहीं हूं। इसे जानते हो? ये तो बिकू लोमड़ी है। जानता है? सुपारी लेता है, खून करता है। इस भिको लोमड़ी ने एक आदमी को प्लेन में से फेंका था नीचे, और वो चाकू डाकू गैंग का आदमी था। वो उसे छोड़ेगा नहीं। मतलब जरूर मारा जाएगा। इस भिको लोमड़ी को देश से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। और अगर उसे नकली पासपोर्ट बनाना हो तो मुझे मालूम है वो कहां जाएगा। डाकू वाले तुम लोग की वाट लगा डालेंगे। वाट तो हम लगा देंगे।
लोग दिखते नहीं है, पकड़ में नहीं आते, तुम सबके सब मारे जाओगे, सबके सब। हमें मार देगा है? बता चाकू डाकू कहाँ मिलेगा? आज शाम को एक मीटिंग है सर, आप अपने ऑपरेशन को अंजाम दीजिए, मैं अपने मंजिल की ओर बढ़ता हूँ। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, विश यू ऑल द बेस्ट रॉकी हैंडसम। थैंक यू सर। बॉस, बॉस ब्रीफकेस मिल गया सर, और वो दो लोग जो थे ना उनको भी खत्म कर दिया मैंने। उस ब्रीफकेस में जो कुछ भी है उसे किसने किसने देखा है? अब सिर्फ मैंने। तुम बड़ी प्यारी हो आयशा, बड़ी अच्छी हो तुम, लेकिन क्या करें, इस ब्रीफ केस में जो कुछ भी है उसे देखने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता, समझे? बॉस, पर मैंने इस ग्रुप के लिए कितना सब कुछ किया है बॉस, प्लीज। आयशा, हमारे ग्रुप का हेड कौन है ये मेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। नहीं बॉस प्लीज, नहीं बॉस प्लीज, प्लीज बॉस, बॉस बॉस प्लीज, प्लीज नहीं बॉस, नहीं बॉस, बॉस नहीं बॉस। अपनी पहचान बताओ। मैं मेंबर नहीं हूं, लेकिन बॉस ने मुझे मीटिंग में बुलाया। भेज दो। ठीक है बॉस। आओ बिकू, आओ। शाबाश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वापस यहाँ आ गए। मेरा काम था तुम्हारे ग्रुप में छुपे हुए उस गद्दार को मारना, जो रिपोर्टर नताशा को ग्रुप के बारे में सब कुछ बताने वाला था, और मैंने वो किया। हाँ, पूरा कर दिया। लेकिन मैंने तो आपको ये कहा था कि हमारे काम की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से केटी की लाश सीआईडी को मिली लाश, और वो सीआईडी हमारे ठिकाने का पता ढूंढ रही है। मैंने सारा काम चुपचाप ही तो किया था। उससे पहले मैंने केडी का भरोसा जीता, उसे कहा कि यहां से भागने में मैं उसकी मदद करूंगा। बड़ा ही शातिर खिलाड़ी था केडी तुम्हारी गैंग का। अरे बड़ी मुश्किल से मैंने उसे प्लेन से बाहर फेंका, जानते हो। और तुमने ब्रीफकेस भी बाहर फेंक दिया। भला हो आयशा का कि ब्रीफकेस लेकर वापस आई। सजा तो मिलेगी इस गलती की, सजाए मौत। इसका मतलब आप मुझे भी मार डालोगे? हमारे ग्रुप की खासियत है कि हम अपना काम साये में करते हैं, किसी को दिखा के नहीं करते, और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज पूरी दुनिया को हमारे काम के बारे में, हमारे बारे में पता चल चुका है। तुम्हें सजा तो मिलेगी, सजा है मौत। एक मिनट, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? बताओ बताओ बताओ। सीआईडी यहीं पर ही है।
सब कुछ खाक हो गया था सर। देखो बताओ हमें तुम्हारे गैंग का लीडर कौन है? मर जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बताएंगे। चाकू डाकू गैंग का लीडर दया। अभिजीत को इन्फॉर्म करो जल्दी। चल करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें बस उड़ना है तुम्हें इस देश से दूर, जहाँ तुम्हें कोई पहचान ना पाए, कोई ढूंढ ना पाए। ये प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी गलती है। किसने कहा था तुम्हें ना गुजरने को हमारे धंधे में? मैंने कहा था, इसने कहा था। किसने नहीं कहा था? फिर क्यों घुस रही अपनी नाक हमारे धंधे में? और हमने तुम्हें मारा नहीं। क्यों नहीं मारा मुझे? इसलिए नहीं मारा तुम्हें कि प्लीज छोड़ दो मुझे। चलो हेलो बोलो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड से हेलो बोलो। मम्मा आप इस गैंग की हेड है? ये कैसे कर सकती आप? मैंने मना किया था ना तुमको इन सब चीजों से दूर रहना, लेकिन तुम देशभक्त बाप की बेटी हो, इतनी आसानी से कैसे मान जाती? लेकिन अब तुम जो देख रही हो वही सच्चाई है, और इसे जितना जल्दी मान लोगी उतना अच्छा है। क्यों मम्मा, क्यों किया आपने ऐसा? अकेली कब तक तकलीफें झेलती, कैसे बड़ा करती तुझे? आज कम से कम शान से तुम सबको कह सकती हो कि मेरी माँ ने अकेले अपने दम पर करोड़ों का कारोबार खड़ा किया है। तो यही वो वजह थी जिसके लिए मैं अब तक जिंदा हूँ। तू मेरी बेटी है, तुझे कैसे कोई कुछ कर सकता था? अब तुम मेरे साथ एक दूसरी कंट्री में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। प्लीज छोड़ दो। सीआईडी फोन दो सबको। नाटक तो बहुत अच्छा करते हैं आप, अब जरा इनके नाटक से पर्दा गिरा दो।
अपनी बेटी को किडनैप किया तुमने। बिजनेस में कोई रिश्ता नहीं होता है। कमाल है। और जिन जिन लड़कियों को किडनैप किया उनका क्या किया तुमने? नर्क में जी रही थी सब, सबको जन्नत पहुंचाया मैंने। अब जन्नत वाले खुश, वो खुश और मैं भी खुश। इतने लोगों को खुशियां देना गलत कैसे हो सकता है? हजारों मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की है तुमने, और ना जाने कितने मासूम लोगों को मरवा दिया। तुमने जो कुछ भी किया है कानून उसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के खुश होती रहना जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।